हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक को लोग कुछ लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि ये फालतू की चीज़ है। लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्या होता है सनस्क्रीन, कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, किन किन लोगों को यूज़ करना चाहिए और हम इसे कब, कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए, जो नहीं यूज़ करते उनका क्या फ़ायदा है, उनका क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सारी नॉलेज ऐसी मिलने वाली है जो कि शायद आपको पहले नहीं पता होगी और वो नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सनस्क्रीन। सनस्क्रीन होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें सनस्क्रीन के बारे में जानना है तो सनस्क्रीन एक लोशन की तरह होता है, जेल फॉर्म में भी आता है, लोशन फॉर्म में भी आता है, क्रीम फॉर्म में और पाउडर की फॉर्म में भी आते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के सनस्क्रीन होते हैं। सनस्क्रीन लगाते हैं कब, जब बहुत ज़्यादा यू नो धूप में हम लोग बाहर जाते हैं या फिर बहुत हार्ड लाइट में हम बाहर जाते हैं, लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है या बहुत तेज़ धूप होती है, हल्की धूप होती है, बाहर जाते हैं तो हमें सनस्क्रीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सनस्क्रीन हमारे फेस पे एक लेयर बना देता है, एक यूवीए यूवीवी प्रोटेक्शन बना देता है हमारे फेस पे, ताकि धूप और लाइट से जो भी हमारी यू नो यूवीए यूवीवी रेज निकल रही हैं और जो धूप से हमें एक हार्मफुल रेज मिलती है उनसे हमें मिल जाए छुटकारा, वो हमारे फेस के अंदर तक, स्किन तक पेनिट्रेट ना करें और हमें कोई भी स्किन से रिलेटेड डिसीज़ या कोई भी बीमारी प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं UVA, UVV और PA++++ के बारे में। तो UVA, UVV क्या होता है? UVA, UVV प्रोटेक्शन जिस सनस्क्रीन पे लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो हमें हमारी जो है हमारी स्किन की सुरक्षा करेगी UVA अल्ट्रावायलेट रेज से और जो भी हार्मफुल किरणें होती हैं जो कि सनलाइट में से या हमारी जो नॉर्मल लाइट होती हैं, हार्श लाइट होती है, उनमें से जो निकलती हैं, क्योंकि आजकल यू नो लाइटनिंग भी ऐसी हो गई है जो जिनमें से बहुत ज़्यादा हार्श रेज निकलती हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए भी, तो ये चीज़ ये हमें जो हार्मफुल रेज होती है उनसे प्रोटेक्शन देते हैं जिस भी सनस्क्रीन में यूवीए यूवीवी लिखा होता है। और मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन मेरे पास यहाँ पे अरोमा मैजिक का सनस्क्रीन है, SPF 30 के साथ आता है, तो इसमें भी यूवीए यूवीवी प्रोटेक्शन है। मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन में ये यूवीए यूवीवी प्रोटेक्शन होता है क्योंकि हम फेस सनस्क्रीन लगा क्यों रहे, ताकि हमारी हार्मफुल रेज से हमारी स्किन बची रहे। एंड PA++ ये होता है कि जितने ही PA के आगे प्लस 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 लगे होंगे, लाइक PA+ होता है, PA++ होता है, PA++ होता है, अलग अलग क्रीम्स अलग अलग PA++ के साथ आती हैं, तो जितने ही प्लस हमारे क्रीम में आगे ऐड होते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी क्रीम जो है इन सारी रेज से हमें प्रोटेक्ट करेगी। एंड अब बात तो सनस्क्रीन के बारे में मैंने आपको इतना कुछ बता दिया, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि SPF क्या होता है। सनस्क्रीन के ऊपर काफ़ी बार लिखा होता है SPF, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है SPF 30, तो आप सोच रहे होंगे कि SPF क्या होता है। SPF जितना SPF होता है उतनी ही ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, लाइक अगर SPF 20 है तो वो आपको 1 से 2 घंटे तक ही सन से प्रोटेक्शन दे पाएगी, और बहुत ज़्यादा यू नो जो बहुत ज़्यादा धूप होती है ना, बहुत गर्मी और बहुत तेज़ वाली धूप होती है या बहुत ज़्यादा हार्ड लाइट, उससे प्रोटेक्शन नहीं देगी। छोटी मोटी जैसे कि आप घर में हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, नॉर्मल लाइट्स में रहते हैं हम लोग घर में, तो आप SPF 20 यूज़ कर सकते हैं। SPF 30 हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं और ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, जैसे कि बारिश वाला मौसम है या नॉर्मल धूप नहीं निकली हुई है, तो इस तरीके से हम SPF 30 का यूज़ कर सकते हैं। SPF 50 बहुत हार्ड जब धूप होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यू नो हमारे फेस पे ज़्यादा कुछ टिकता नहीं है, तो 2-3 घंटे तक SPF 50 हमारे फेस पे टिक जाएगी जब हम बाहर जा रहे हैं। 3-4 घंटे ज़्यादा कोई भी SPF नहीं टिकता है, आप चाहे कितना भी SPF लगा लो, कितना भी ऊपर 50, 60, 70, 80 आगे SPF और भी आते हैं, लेकिन 3-4 घंटे ज़्यादा कोई भी SPF नहीं टिकता है। बस SPF की काउंटिंग से बढ़ने से ये होता है कि हमारी और ज़्यादा प्रोटेक्शन हमें मिलती जाएगी। SPF लोग 50 के आगे 60, 70, 80 भी यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 50 और 60 SPF से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मे भी फिर वो आपकी स्किन पे फ़र्क डाल दे, तो इन चीज़ों का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब कौन सा सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन हमें कब कब यूज़ करना चाहिए और दिन में कितनी बार सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम लाइट्स में रहते हैं पूरा दिन
और घर में रह होते हैं तब भी हम लाइट्स में होते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो धूप तो होती है, आपको पता ही है। तो हमें सनस्क्रीन को पूरा दिन अपने फेस पे अप्लाई करके रखना चाहिए। जब हम रात को सो रहे हैं, क्योंकि हम लोग डिम लाइट में सोते हैं, तो अपना फेस वॉश करके स्किन केयर करके फिर सोना चाहिए। दिन में आपको पूरा दिन सनस्क्रीन को अप्लाई करके रखना चाहिए। इवन सनसेट हो गया है, शाम हो गई है, उसके बाद भी अगर आप कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सनस्क्रीन को अप्लाई कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको हार्श लाइट्स का सामना करना पड़ेगा। सनस्क्रीन को कितनी बार अप्लाई करना चाहिए? सनस्क्रीन को आपको हर 2-3 घंटे में रीअप्लाई करना ही करना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा SPF यूज़ कर रहे हैं, SPF 20, 30, 50, 60, को तब भी आपको दिन में हर 2 से 3 घंटे में सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना ही है। अगर आप मेकअप कर रहे हैं तब भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है मेकअप से पहले, जब आप अपना स्किन केयर फॉलो कर रहे हैं उसके बाद। अगर आप मेकअप नहीं कर रहे हैं तब भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है, स्किन केयर फॉलो करना है, उसके बाद अपना सनस्क्रीन अप्लाई करना है। सनस्क्रीन को खाली कभी भी नहीं लगाना है अपने फेस पे। उससे पहले सनस्क्रीन को अप्लाई करने से पहले कोई भी सनस्क्रीन लोशन, चाहे कोई भी हो, सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करने से पहले आपको अपने फेस पे कोई जेल या मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना है, क्योंकि जो ये सनस्क्रीन होते हैं अगर आप इसको डायरेक्टली अपने फेस पे लगा लेंगे तो मे बी आप आपकी स्किन को ये हार्म भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से सनस्क्रीन को लगाना है, कभी भी खाली नहीं लगाना है। आप सनस्क्रीन को रीअप्लाई कर रहे हैं, आपने अपना स्किन केयर किया, मॉइस्चराइजर लगाया, फिर सनस्क्रीन लगाया, आपने मेकअप कर लिया, अब आपको सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना है, तो आप मेकअप के ऊपर से ही रीअप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सनस्क्रीन को कभी भी अपने फेस पे मसाज नहीं किया जाता, हल्का सा डैप किया जाता है। इस तरीके से हल्का सा हाथ में लीजिए और इस तरीके से टैप कर दीजिए, उससे आपका मेकअप को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी हार्म नहीं होगा, और आपकी सनस्क्रीन भी अप्लाई हो जाएगी। वैसे अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इस तरह के सनस्क्रीन में, तो पाउडर सनस्क्रीन भी आते हैं, जैसे कि लैक्मे का सन एक्सपर्ट एक कॉम्पैक्ट है, वो भी बहुत अच्छा है पाउडर फॉर्म में, SPF 40 के साथ वो आता है, तो आप उस इस तरीके के कॉम्पैक्ट्स भी ले सकते हैं अपने मेकअप के ऊपर, अपने सनस्क्रीन को टचअप करने के लिए। लेकिन मुझे तो ये जेल बेस्ड, क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन ही अच्छे लगते हैं, खासकर जेल बेस्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा हमारे स्किन पे वर्क करते हैं, और इरिटेशन नहीं होता है स्किन पे बिल्कुल भी। तो आप कोई भी ब्रांड का सनस्क्रीन ले सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक के हैं, ये मुझे बहुत पसंद आते हैं। लैक्मे की भी बहुत सारे अच्छे हैं, न्यूट्रीजना, किसी की अगर ऑयली स्किन है तो वो न्यूट्रीजना की सनस्क्रीन यूज़ कर सकता है, अल्ट्रा मैट वाली, वो बहुत ज़्यादा मैट है, ऑयली स्किन वालों के लिए परफेक्ट है। तो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप सनस्क्रीन ले सकते हैं, लैक्मे की भी ले सकते हैं, वो भी मैट में ही आती है, और जिस तरह की आपकी स्किन है आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन लगा सकते हैं। कोई भी स्किन टाइप वाले हैं, अगर आप ऑयली हैं, कॉम्बिनेशन है, ड्राई हैं, सेंसिटिव हैं, किसी भी तरीके की स्किन टाइप है, हर स्किन टाइप वालों को सनस्क्रीन लगाना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, या बारिश का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, हर मौसम में सनस्क्रीन लगाना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि गर्मियों में सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्दियाँ आ गई हैं, अब तो इतनी धूप निकलती नहीं है तो सनस्क्रीन की ज़रूरत है। इनफैक्ट सर्दियों में तो और भी ज़्यादा हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम तो जाकर धूप में बैठते हैं कि थोड़ी सी धूप सेक लें, थोड़ा सा धूप लग जाए हमें, तो स्पेशली हम जाकर धूप में बैठ रहे हैं तो उसके लिए तो सनस्क्रीन होना ही चाहिए। सनस्क्रीन अप्लाई करके धूप में बैठिए। सनस्क्रीन सिर्फ फेस पे लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सनस्क्रीन आपके एक्सपोज एरिया, लाइक जैसे कि मेरे ये हाथ है, ये हाथ मेरे एक्सपोज हो रहे हैं, अभी मैं इंडोर में बैठी हूँ, मैं बाहर जाऊँगी मेरे हाथ एक्सपोज होंगे तो टैन हो जाते हैं हमारे हैंड्स, तो हैंड्स पे भी सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, फेस पे भी सनस्क्रीन, जो भी हमारा एक्सपोज एरिया होता है, अगर हमने कट स्लीव्स पहने हैं, स्लीवलेस पहने हैं, तो हम अपने पूरे आर्म्स पे सनस्क्रीन को अप्लाई करेंगे, तो जो भी हमारे एक्सपोज एरियाज होते हैं हमें उन पे सनस्क्रीन को अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे लोग मेकअप नहीं करते हैं, वो सिर्फ स्किन केयर करते हैं, या मे बी स्किन केयर भी फॉलो नहीं करते हैं, उनको भी सनस्क्रीन लगाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा स्किन केयर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा स्किन केयर लवर नहीं हैं, तो आप एक मॉइस्चराइज़र तो यूज़ करते ही हैं, ऐसा कोई भी नहीं जो मॉइस्चराइज़र यूज़ ना करता हो, वो मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए एंड उसके बाद आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं। और मार्केट में इस तरीके के ऐसे भी बहुत सारे सनस्क्रीन आते हैं जो कि मॉइस्चराइज़र प्लस सनस्क्रीन एक साथ होते हैं, 2-in-1, तो आप वो वाले सनस्क्रीन भी ले सकते हैं, आपको सिर्फ बस एक ट्यूब में ही आप अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाएगी और आपका सनस्क्रीन भी लग जाएगा। अगर आप स्किन केयर लवर नहीं है या आपको कुछ ज़्यादा करना पसंद नहीं है तो आप इस तरीके के सनस्क्रीन भी ले सकते हैं, लेकिन सनस्क्रीन अप्लाई ज़रूर करना है। मेरा यही कहना है कि सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो सनस्क्रीन किस किस को यूज़ करना चाहिए? सनस्क्रीन हर किसी को यूज़ करना चाहिए, चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप लड़का हैं, चाहे आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं या जवान हैं, हर किसी को सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। इवन टीनेजर्स को भी यूज़ करना चाहिए।
बच्चों को भी सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। बच्चों के लिए अलग SPF वाले सनस्क्रीन आते हैं, अलग तरीके के आते हैं। जैसे नॉर्मली बड़ों वाले सनस्क्रीन बच्चों पे नहीं अप्लाई करना चाहिए, उनके लिए अलग जो किड्स रेंज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से ही सनस्क्रीन बच्चों को यूज़ करना चाहिए। 2 साल से ऊपर के बच्चे सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको सनस्क्रीन के फ़ायदों के बारे में तो बता दिया है, कब कैसे क्यों किस लिए यूज़ करनी चाहिए हर चीज़ के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक चीज़ रह गई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सनस्क्रीन के नुकसान क्या क्या होते हैं। अगर आप सनस्क्रीन को नहीं अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये बात आप लोग जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करते उनको स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इवन बहुत सारी रिसर्चेस से ये भी पता लगा है, अगर आप सनस्क्रीन को नहीं अप्लाई करते हैं या अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते हैं तो स्किन कैंसर तक होने का खतरा रहता है। तो सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन ना लगाने से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है और स्किन पे यू नो बहुत सारे पिंपल्स या छोटे छोटे बम्स, लाल लाल, बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि बाहर से आते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे निशान हो जाते हैं, लाल लाल पूरा फेस हो जाता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी हमें सनस्क्रीन ना अप्लाई करने की वजह से होती है। सनस्क्रीन आप अप्लाई करेंगे तो इस टाइप की प्रॉब्लम से ही बचे रहेंगे। स्किन टैन हो जाती है, आपकी बॉडी का कलर कुछ और, आपके फेस का कलर कुछ और हो जाएगा, क्योंकि बॉडी तो कपड़ों के पीछे ढकी हुई होती है तो उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपका फेस तो पूरा एक्सपोज हो रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आपको डिसकलरेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगी, आपके हैंड्स बहुत ज़्यादा टैन हो जाएंगे, इधर का कुछ और कलर होगा और इधर का कुछ और कलर होगा, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकती हैं। तो सनस्क्रीन बेसिकली लगाना इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार मार्केट में ना बहुत एक्सपेंसिव टाइप के सनस्क्रीन भी आते हैं, लेकिन काफ़ी बार अफोर्डेबल सनस्क्रीन भी आते हैं और DIY सनस्क्रीन भी आप घर में बना सकते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आगे जाके। तो सनस्क्रीन के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो सनस्क्रीन को अप्लाई करके दिखा देती हूँ मैं आपको। कि यहाँ पे मेरे पास ये ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक की सनस्क्रीन है SPF 20 के साथ है, क्योंकि मैं ये वीडियो अपने घर में शूट कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा SPF की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको यही अप्लाई करके दिखाऊंगी। जेल फॉर्म में ये वाली क्रीम आती है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा सनस्क्रीन लेना है अपनी फिंगर पे, थोड़ा सा, और किस तरीके से अप्लाई करना है ये मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली इस तरीके से अपने पाम पे हल्का सा रब कर लीजिए और इस तरीके से रब, हमारी स्किन पे मसाज नहीं करना। नॉर्मली हम क्रीम्स या मॉइस्चराइजर्स होते हैं तो उनको हम करते हैं अपनी स्किन पे मसाज, इसको नहीं करना है, इस तरीके से लेना है। मैंने अब हल्का सा मेकअप कर रखा है अपने फेस पे, लेकिन मैं अपने मेकअप के ऊपर से ही करके दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से डैब डैब करके सनस्क्रीन को लगाना है अपने फेस पे और लगाकर छोड़ देना है थोड़ी देर के बाद। ये जो हल्की सी यू नो स्टिकीनेस आपको लगेगी लगाने के बाद, लेकिन 2-4 मिनट का अगर आप वेट करेंगे, 4-5 मिनट का, तो अपने आप ये स्टिकनेस गायब हो जाएगी और हमारे स्किन में सनस्क्रीन अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। मसाज इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये सनस्क्रीन लोशन या क्रीम जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं स्किन में अंदर जाके बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करे और हमारे स्किन टिश्यूज़ को हार्म करे या स्किन में कोई प्रॉब्लम हो। तो सिर्फ ऊपर ऊपर को हमें लेयर, एक यू नो सुरक्षा कवच जिसे कहते हैं, तो एक सुरक्षा कवच बनाना है हमें अपनी स्किन के आसपास। तो स्किन के बाहरी लेयर को प्रोटेक्ट करना है, अंदर की लेयर को हार्म नहीं करना है, इसीलिए हम सनस्क्रीन को मसाज नहीं करते हैं, सिर्फ डैप करते हैं। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो सनस्क्रीन के ऊपर। आई होप मैं सनस्क्रीन के बारे में आपको बता पाई हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को भी मैं नॉलेज दे पाई हूँ। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अपनी बात समझा पाऊँ। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सनस्क्रीन को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएं जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।